वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सही मायनों में तो इंडिया आजाद हुआ। ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। برطانوی اخبار دی گارڈین نے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بھارتی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسی کو بے نقاب کر دیا۔ انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان، انٹیلیجنس آفیشلز کلیم۔ راک ایجنٹ، راک روکے نہیں، راک ایجنٹ۔ مودی سرکار نے پاکستان میں 20 افراد کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کرایا اور ان ہلاکتوں کے پیچھے روکے سلیپر سیلز تھے۔ دیکھیں، آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، اچھے لگیں برے لگیں، ایک چائے والے کو وزیر اعظم بنا کے، بھئی وہ اگر ہندوتوا ریاست بنا رہے ہیں تو یہاں کوئی اسلامی ریاست، یہ اسلامی ریاست نظر آ رہی ہے دائیں بائیں۔ آپ کو سب کچھ ملتا ہے، وہ بھارت سے بچانے کے لیے ملتا ہے، اور بھارت آگے یہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہے اور کوئی جواب نہیں۔ یہ نیا بھارت ہے اینڈ مودی صاحب اب بدل چکے ہوئے ہیں، اور اب ہم گھر میں گھس کے ماریں گے۔ کہ پاکستان جو کبھی دہشت گردی کرتا تھا، اب اس کے پاس खाने को रोटी नहीं। अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। और इससे पहले भी ये वाली जो है बात अमेरिका की तरफ से कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जिस पे ये बात कही गई है। अच्छा देखिए, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर तो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से आपका नाम FATF में गया। सर किन की वजह से FATF में गए आप? मतलब ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनका नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो दहशतगर्दी करते रहे वहां पर जाकर, अगर वो लोग मारे जा रहे हो और फिर इसको कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बात ढकी छुपी है किसी से कि जिनको मारा जा रहा है वो आम लोग हैं, आवाम को मारा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से जिन लोगों को मारने के इन लोगों की हलाकतें हुई उनके बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान की पब्लिक को मारा इंडिया ने, ऐसा नहीं है। उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा गया है कि जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जिनका ताल्लुक बनता था और जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे, तो जिनकी वजह से आपका नाम FATF में गया, तो उनको आपने भी तो कुछ ना कुछ करना ही था ना सर, क्योंकि FATF ने तो जो कहा था वो तो आपको करना ही पड़ना था कि या तो उनको जेलों में रखें या फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। वो सब आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाके तो खुद भी वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तो ये वाली आवाजें भी उठने लग पड़ी, बल्कि हमने भी कई मरतबा इसके ऊपर बात की कि इंडिया की तरफ से भी कई जब मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए तो ये कहा जाने लगा कि ये इंडिया की तरफ से किया जा रहा है या पाकिस्तान की अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है और FATF ने वैसे ही जीना हराम किया हुआ है, तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो है छुट्टी करें, तो ये सवाल भी उठते रहे। लेकिन इसमें एक बात वाजे हो जाती है और वो ये है कि वो जो उन्होंने बात की है कि ये पहले वाला भारत नहीं। जिस दुश्मन के खिलाफ ये कौम अपना पेट काट के आपको मराद देती है, प्लॉट देती है, आपको बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है, और भारत आगे यहां पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं, एक मजम्मती बयान तक नहीं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार ये बातें दोहरा के बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि यह कितनी गहरी साजिश हो रही है। जब तक आप अंदर से गो अहेड नहीं करेंगे या कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होगा, तब तक कैसे भारत राजी हो गया, कैसे मान गया? मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि जनरल बाजवा ने 2022 में अमेरिका को कॉल की, अमेरिका के किसी जूनियर से अफसर से उन्होंने बात की और पाकिस्तान को दो हफ्तों के अंदर अंदर IMF का प्रोग्राम मिल गया। नहीं मिल रहा था, आप ये खबरें निकाल के देख लें, जुलाई अगस्त की बात है 2022 की। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि क्या वादा किया, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि पाकिस्तान ने उसके बाद यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिए थे स्ट्रेट वे। इसका मतलब है कि हमने गारंटी दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे
वाया अमरीका, हमारे हथियार अमरीका जाते थे, अमरीका से यूक्रेन जाते थे, ठीक है। अब भारत के साथ भी ऐसे ही है कि ठीक है जी, आप मार लें अपने लोग, जो आपको एतराज है उसे मार लें, फ्री फॉर ऑल है, लेकिन बस हमारे साथ आप दोस्ती कर लें, यारी कर लें, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा आप खत्म कर दें, ये है सारी बात। तो एतराज होना चाहिए पूरी कौम को कि ये हमारे लिए बड़े परेशानी की बात है कि भारत पूरी दुनिया में मारे। देखिए पूरी रिपोर्ट दी है ये गार्डियन ने, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखें, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसको पढ़ के इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे इदारे सियासी जमातों को तोड़ रहे हैं, हुकूमतें बना रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें रखा गया है, जिसके लिए उन्हें पैसा दिया गया है, वो काम वो कर नहीं रहे, उल्टा कभी अफगानिस्तान में घुसते हैं, कभी ईरान में घुसते हैं। भाई भारत को भी तो जवाब दे दो, एक भारत को नहीं जवाब देना, जिसके लिए हमने बुनियादी तौर पर अपनी फोर्स बनाई है उसको नहीं जवाब देना, ईरान में घुसना है जाके, कभी जाके उधर घुस जाना है, अफगानिस्तान में घुस जाना है, भाई जो मुसलमान मुल्क है उनके साथ तो भाई बातचीत से मामला तय करो। ये कहते हैं बातचीत भारत से होगी, जो मुसलमान ममालिक है हमारे नेबर उनसे हम लड़ाई करेंगे। हर चीज उल्टी चल रही है क्योंकि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान ने भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10-15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे, और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP के पीछे भी है, और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है, और ये फंडिंग सारी आईटी है बदकिस्मती के साथ आप यूँ कह लीजिए कि UAE के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी तो भारत को कम से कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम से कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए, ताकि भारत की जो ह्यूब्रिस्टिक एक एटीट्यूड है कि जी हम जो करें सब ठीक है, हमें कोई इस वक्त टच नहीं कर सकता क्योंकि हम राइजिंग इकॉनमी हैं और बड़ा हमारा क्लाउट है दुनिया भर में, और तो इस वजह से हमें तो अब ज़रूरत इस समर की है कि भारत को उसकी जगह पर लाया जाए। और इस साल इलेक्शंस भी हो रहे हैं अप्रैल जून में, और 4th-5th June तक हमें रिजल्ट्स ही पता चल जाएंगे, तो देखते हैं कि नई हुकूमत कौन बनाता है। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जो है ये जो रिपोर्ट आई है द गार्डियन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आई ओपनिंग भी है, इससे काफ़ी मालूमात भी हमें मिली कि भारत किस तरह ये सारी किलिंग्स करवा रहा है। तो मेरे ख्याल में भारत को FATF ग्रे लिस्ट में तो कम से कम शामिल हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आप देखिए कि जब G20 का समिट हुआ था तो जस्टिन ट्रूडो साहब आए थे, एंड दैट वाज सून आफ्टर मिस्टर नजर्स किलिंग मर्डर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कनाडा ने ये कहा है, उन्होंने कहा 5 Eyes के पास एविडेंस है। सो दैट मीन्स दैट ऑल दीस 5 Eyes जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, इन सब की एजेंसीज के पास एविडेंस है कि भारत क्या कर रहा है।